नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र। लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शाहबाद में आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहां पर आकर मैं आपको डेली कुछ ना कुछ नई ट्रिक्स दूंगा। जब भी मैं नया लेक्चर बनाऊंगा तब कुछ ना कुछ आपको नई ट्रिक्स बताऊंगा, नए नए लेक्चर बताऊंगा, जिससे आप सभी को फायदा होगा। तो मुझे यकीन है, अभी तक मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक मैंने ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं किया, उसके बावजूद मेरा चैनल कम से कम 5 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चैनल कैसा लगा, इसके लिए नीचे कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों, प्लीज। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा डाटा हाइड रहे कंप्यूटर में, यानी कि सबको ना दिखाई दे, कुछ ऐसा डाटा होता है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने फोल्डर को हाइड करवा दें, यानी हाउ टू हाइड एनी फोल्डर, हाउ टू हाइड एनी फोल्डर और हाउ टू हाइड एनी होल ड्राइव। या तो आप फोल्डर को हाइड करवा दें, उसमें डाटा अपना रख करके, और फोल्डर हाइड करवा दें तो फोल्डर नहीं दिखाई देगा। या फिर अगर आपका बहुत 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 ज़्यादा डाटा है और पूरी आपकी ड्राइव फुल है और सब कॉन्फिडेंशियल डाटा है, तो आप पूरी ड्राइव को ही हाइड करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी लोग कंप्यूटर जानते हैं या जो भी लोग कंप्यूटर चलाते हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सभी बच्चे जानते हैं और सभी स्टूडेंट्स भी मेरे चाहते हैं कि कोई भी उनका डाटा घर में रखा हुआ हो तो वो डाटा उनका सेफ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। यानी कि हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ डाटा ऐसा जरूर होता है जिसे हम एकदम से डेस्कटॉप पर नहीं चाहते हैं कि वो खुला रहे, या अगर ड्राइव के अंदर भी पड़ा हुआ है तब भी वो नहीं चाहते हैं कि सो हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डाटा को हाइड किया जाता है, या किस तरीके से किसी भी फोल्डर को हाइड किया जाता है, या किस तरीके से किसी भी ड्राइव को हाइड किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको लैपटॉप में करके दिखाऊंगा। अभी आप लोग देखिए, मैं प्रैक्टिकली आपको ये बात बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो है, लेकिन आप जो एडजस्ट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेस्कटॉप पर फोल्डर पड़ा हुआ है मेरा लक्ष्य के नाम से, ये डेस्कटॉप पर फोल्डर रहा मेरा, और इसको हाइड करना है। इसको अगर यहाँ से डेस्कटॉप से हटाना है, छुपाना है मतलब, ताकि ये कोई भी दूसरा ना एक्सेस कर पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, राइट क्लिक करते ही इसमें ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। सारे ऑप्शन के नीचे आइए, नीचे आने पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा जिस पे लिखा होगा प्रॉपर्टीज। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक कीजिए। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन इसमें मिलेगा हिडन। जी हाँ दोस्तों, हिडन पर जाने के बाद हिडन पर आप क्लिक कर दीजिए, और हिडन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसको अप्लाई करिए। अप्लाई, जी अप्लाई होने के बाद देखिए, ये अप्लाई हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांग रहा है, इसको कंटिन्यू कर दीजिए, और कंटिन्यू करने के बाद में आप इसको ओके कर दीजिए। ये रहा ओके, और अब आप देख सकते हैं कि लक्ष्य नाम का फोल्डर यहाँ से गायब हो गया है, ये देखिए। और ये देखिए, यहाँ पर इसका हमको करना पड़ेगा जी, फोल्डर सर्च ऑप्शन में जाते हैं। फोल्डर सर्च ऑप्शन में जाने के बाद में व्यू में गए, और व्यू में जाने के बाद जो शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स लगा हुआ है, इसको यहाँ से डोंट शो करवाना होता है। जी देखिए, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, ये देखिए, फोल्डर ऑप्शन में जाने के बाद में, फोल्डर ऑप्शन में जाने के बाद में डोंट शो करवाना होता है इसको। और दोस्तों, एक बार मैं इसको फिर से बताना चाहता हूँ, यहाँ से क्लिक करिए, और आप लोग यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज में जाइए। ऑर्गेनाइज में जाने के बाद, ऑर्गेनाइज कहाँ पर है थोड़ा सा देख लीजिए, ये ड्राइव जहाँ पर होती है वहीं पर ऑर्गेनाइज बटन आ रहा है। ऑर्गेनाइज पर आप जा कर के क्लिक करिए नीचे, और ये फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाने के बाद, फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन में जाने के बाद ये इस तरीके से खुल के आएगा। ये मैं आपको पूरा शो करवा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। और इसमें आप आते हैं कहाँ पर, ये व्यू ऑप्शन में, ये सेकंड वाला व्यू ऑप्शन, व्यू ऑप्शन में आने के बाद आप आएंगे ये डोंट शो,
डोंट शो हिडन फोल्डर्स एंड फाइल्स। और अगर आपको शो करवाना है, आपको देखना है कि मेरे कंप्यूटर में कितने हिडन फोल्डर्स और फाइल हैं या किसी दूसरे के कंप्यूटर में कितने हिडन फोल्डर्स और फाइल हैं, तो आप यहीं पर जा करके यहाँ पर आपको शो करवाना पड़ेगा। आप शो करवा दीजिए तो यहाँ से शो हो जाएगा। शो होने के बाद में अब आप अप्लाई करते हैं। जी हाँ, इसको अप्लाई कीजिए और यहाँ पर ओके कीजिए। अब जो आपने फोल्डर हिडन किया था वो फोल्डर हिडन हो गया होगा। देखिए लक्ष्य नाम से जो डेस्कटॉप पर था, जी हाँ, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मात्र दो फोल्डर रह गए, न्यू फोल्डर वन, न्यू फोल्डर टू। लक्ष्य नाम का फोल्डर यहाँ पर अब कहीं पर भी नहीं है। देखिए जी हाँ, देखा दोस्तों। अब इसी के साथ अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पूरी ड्राइव गायब करना हो, पूरी ड्राइव हिडन करना हो, हाउ टू हाइड ए होल ड्राइव ऑफ एनी कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप कंप्यूटर आइकन पर क्लिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप की कंप्यूटर आइकन पर आपने क्लिक किया और ये क्लिक करने के बाद ये मैनेज में आपको जाना होगा। आप मैनेज में गए और मैनेज में जाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज और डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट पर आपने क्लिक किया है। ये डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करते ही आपको ये सारा डाटा यहाँ पर मिलेगा, ये ऑप्शन आपको खुल जाएगा। यहाँ पर डिस्क जीरो लिखा हुआ है, 931 GB, और ये आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद आपको मान लीजिए आपको ई ड्राइव गायब करना है, ई ड्राइव। तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि मेरे कंप्यूटर में कितना ड्राइव है, सी डी और ई, ये तीन ड्राइव है मेरे कंप्यूटर में। मैंने यहाँ पर किया और यहाँ पर कंप्यूटर ओपन किया, कंप्यूटर आइकन, तो यहाँ पर सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, तीनों ड्राइव आपको मिलेंगी। अब यहाँ से मान लीजिए ई ड्राइव आपको यहाँ से हिडन करना है, गायब करना है, छुपा देना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इसको फिर से बंद करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने फिर वहीं पर आकर के ये मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट में जाकर के डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। या मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में गए, कंप्यूटर पे क्लिक किया, राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको मैनेज में जाना होगा, मैनेज पर क्लिक करिए। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज और डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट पे डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन मिलने के बाद आपको ई ड्राइव अगर गायब करना है तो आप ई ड्राइव पर आ जाइए। इस पर आप एक बार क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और आप इस पर राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, चेंज ड्राइव एंड लेटर पाथ, तो आप इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपको मिलेगा, ये ऑप्शन मिलते ही आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर से रिमूव करवा देंगे। ये ड्राइव आपको रिमूव करवानी है दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ड्राइव के किसी भी डाटा को नुकसान नहीं होता है, आप आराम से ये डाटा दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करवा रहा हूँ। ये रहा, ये सम प्रोग्राम्स रिले ऑन ड्राइव, ये इस तरीके का एक मैसेज आएगा, तो आप इसको यस करवा दीजिए। यस करवाने के बाद फिर दोबारा से यस करवाइए। अब आपने यस करवा दिया दो बार, अब ये ड्राइव वहाँ से हाइड हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर आपको शो हो रही है लेकिन वहाँ से हाइड हो गई है माई कंप्यूटर आइकन से, जो आप देख सकते हैं। किस तरीके से देखेंगे, पहले आप इसको जी हाँ दोस्तों, इसको आपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब आप कंप्यूटर आइकन में आएंगे और ये रहे सी ड्राइव और डी ड्राइव। ई ड्राइव तो गायब हो गई है। जी हाँ, देखिए ई ड्राइव अब आपकी गायब हो गई है। अब यही ड्राइव अगर आपको वापस लाना हो दोस्तों, तो फिर से आप वहीं पर चलेंगे और वहीं से वापस आएगी। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया और मैनेज में गए। मैनेज में जाने के बाद अब आपने ये सिस्टम खोला। सिस्टम खोलने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में फिर से आपको जाना पड़ेगा। डिस्क मैनेजमेंट में आप फिर से गए। फिर से जाने के बाद आपको फिर वही ड्राइव पे आना है, न्यू वॉल्यूम पे जाना है और राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपको चेंज पाथ एंड फोल्डर्स, चेंज ड्राइव पाथ, इसमें आपको जाना है और इसमें आपको ऐड करवा देना है। पहले रिमूव किया था, इस बार ऐड करवा देना है। वेरी सिंपल, ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आपने जिस ड्राइव को गायब किया था वो ही ड्राइव का लेटर यहाँ पर आना चाहिए। ई ड्राइव को मैंने गायब किया था, सी और डी अभी भी हैं, ई गायब किया था, तो ई को यहाँ पर लेकर के आना है
और फिर हमको ओके कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ओके हो गया। ओके होने के बाद ये देखिए यहाँ पर न्यू वॉल्यूम ई लिख करके आ गया। इसका मतलब कि माय कंप्यूटर खोलने पर भी अब हमको ई ड्राइव फिर से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आप फिर से चेक कर लेते हैं, ये रहा। और इसको ओपन किया, ओपन करने पर सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, जी हाँ दोस्तों तीनों ड्राइव आपको मिल गई हैं। आप लोग इसी प्रैक्टिकल को एक बार करके देख लीजिए, मेरे सारे बच्चे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी करके देखें। अच्छा तरीका है किसी भी अपने डाटा को सुरक्षित करने का, छिपाने का।